नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। लखनऊ में टैक्सी और कैब लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार और 2 फरार। राजधानी क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को टैक्सी गाड़ियों को निशाना बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपितों को पॉलिटेक्निक से धर दबोचा। इनके पास से 2 लग्जरी कार बरामद की गईं। वहीं 2 आरोपित बदमाशों की तलाश पुलिस जोर शोर से कर रही है। परमार्थ आवाज से न्यूज संवाददाता आनंदराज लोधी की रिपोर्ट। किया गया है थाना सरोजनी नगर की जो टीम है उसके क्राइम ब्रांच द्वारा एक 6 सदस्यीय गिरोह है जो कि टैक्सी या कैब को बुक करके उसके ड्राइवर पर को मारने की मार करके एक तरह से वाहनों को लूट कर बिहार राज्य में बेचने की फिराक में रहते हैं ताकि वहां के कुछ शराब तस्कर उन वाहनों से शराब तस्करी कर सकें और पकड़े जाने की आशंका भी ना रहे। इसी क्रम में 2 घटनाएं यहां पर हुई थी। एक 15 जुलाई को हुई थी जहां देवा रोड पर एक ड्राइवर को मार करके फेंक दिया गया था नहर में और उसकी गाड़ी जो है वो ले जा करके बलिया में जो है एक व्यक्ति को बेच दी गई थी, अतुल कुमार नामक व्यक्ति को, और 60,000 रुपये उसमें एडवांस ले लिए गए थे। 2,00,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। इसी तरह 26/8/19 को भी चिनट में जो है एक टैक्सी ड्राइवर को जो है मरणासन करके नहर किनारे छोड़ दिया गया था और उसकी गाड़ी भी लूट ली गई थी। हालांकि वो गाड़ी जो है आगे चल के उसका टायर फटा था और वो बरामद हो गई थी। जो गाड़ी पहले लूटी गई थी उस गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हुआ बलिया जनपद में खजुरा थाना क्षेत्र में 4/8/19 को। एक्सीडेंट होने के बाद जो आदमी उसमें बेल आउट हुआ था, जब पता किया गया गाड़ी के मालिक का तो पता चला जो कि ये गाड़ी जो है लूट की गाड़ी है, बलिया पुलिस को पता चला। जब उसकी सूचना प्राप्त हुई तो इस गैंग को बैक ट्रेस किया गया। अतुल कुमार वहाँ एक शराब का तस्कर बताया गया है जो वहाँ जेल जा चुका है एक अन्य मुकदमे में। जब इस गैंग को बैक ट्रेस किया गया तो कुल मिलाकर के इसमें कमल, पंकज, मोनू, शरद और छोटू और एक ये लोग जो है इनके नाम इसमें प्रकाश में आए हैं। इसमें से मिथिलेश नामक एक आदमी का नाम भी और देशराज, इनके नाम प्रकाश में आए। देशराज, कमल मिश्रा और मिथिलेश इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आज की डेट पे फरार है वो मोनू यादव, शरद सिंह है। मनोज यादव जो मोनू का चाचा है वो एक अन्य मामले में बलिया में जेल में है। इस प्रकार ये गैंग का पर्दाफाश हुआ। इनसे दोनों ये दोनों गाड़ियां आज की डेट पे बरामद है, होंडा इमेज भी और TUV गाड़ी भी। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल जो ये स्वयं के लिए इस्तेमाल करते थे घटना कारित करने में वो बरामद है।